हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज दिस इज सीरीज ऑन करंट अफेयर्स लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस सो आज का पहला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स मैन टुक द फर्स्ट प्लेस इन फोर बीज टॉप पेड एथलीट्स इन दर्ल्ड लिस्ट आप सबको पता है कि फोर मैगजीन जो है अमेरिका में वो बहुत सारी लिस्ट बनाता है वेल्दियस्ट पर्सन इसी तरह जो टॉप एड एथलीट्स थे उनमें से पहला नंबर किसको मिला है रॉजर फेडरर को रॉजर फेडर सब सब जानते हैं उसको कि टेनिस प्लेयर है विराट कोहली जो रैंकड है नंबर सिक्सटी सिक्स पे विद एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ ट्वेंटी सिक्स मिलियन वो ओनली क्रिकेटर है इस लिस्ट में फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये इसलिए न्यूज में आया था क्योंकि इसमें विराट कोहली शामिल था रोहित शर्मा नामिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये अवार्ड कौन देता है ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये कौन देता है ये हाइस्ट अवार्ड है इन स्पोर्ट्स कैटेगरी किरणजीत कौर साहब है हमारी ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये है लॉन्ग डिस्टेंस रनर लॉन्ग डिस्टेंस रनर ये न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि इसको चार साल की बैन की गई दी वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटीडोप बॉडी आप मुझे क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि वो जो टेस्ट हुआ था इस पर वो कहाँ पे हुआ था और ये जो वाड़ा है वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटीडोपिंग बॉडी इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल आपको बताना है ये किस कंट्री में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ अनाउंसड इंक्लूजन ऑफ डाइज एडिशनल माइनर फॉरस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इन मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस लिस्ट मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस लिस्ट में तो पता है कि जैसे कि राइस है बहुत सारी चीज़ें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर दी कितनी चीज़ें इंक्लूड कर दी वो है नंबर ट्वेंटी थ्री उसमें से शामिल है वान तुलसी सीड्स है वान जीरा है मशरूम ब्लैक राइस जौहर राइस ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई एमंग अदर्स मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है अर्जुन मुंडा आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन है अगर आपको ये सब जानना है कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसमें क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर इन इन सब में क्या डिफरेंस तो हमारी पॉलिटी सीरीज ज्वाइन कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स फॉर टू ये पूछे जाते हैं कि थीम किस डे का कौन सा है यह है वर्ल्ड वर्ल्ड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून फर्स्ट दाज सेलिब्रेटेड बाय सॉरी द डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन टू थाउजेंड इज द थीम फॉर वर्ल्ड मिल्क डे वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है वर्ल्ड मिल्क यानी कि बीसवीं साल गिरा है किसकी वर्ल्ड मिल्क डे दिस डे वॉज एस्टैब्लिश बाई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन जून फर्स्ट आपको बताना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडकोार्टर कहाँ है ये हमने पहले भी कवर किया था मे के करंट अफेयर्स में माई लाइफ माई वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट वॉज लॉन्च्ड बाई होम रिसेंटली ये ब्लॉग वीडियो ब्लॉग लॉन्च किया गया ये किसने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जूरिंग हिज मन की बात जीवन योगा इज ए जॉइंट एफर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयूष एंड द आईसीसीआर आईएमएफ रिसेंटली अप्रूव्ड सेवन थर्टी टू मिलियन डॉलर्स इमरजेंसी फंड फॉर विच कंट्री आईएमएफ ने रिसेंटली इतना सारा अमाउंट किसको दे दिया किस कंट्री को दे दिया बंगलादेश को फॉर कोविड नाइनटीन पर्पजेज अर्लियर एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी प्रोवाइड किया था कितना 500 मिलियन असिस्टेंस किसको बांग्लादेश को क्वेश्चन नंबर एट है विच स्टेट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स टू देयर होम स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट पहली बन गई जिसने जो उसकी स्टेट में माइग्रेंट्स थे उन सारों को अपने घर पहुंचा दिया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है गुजरात वो है गुजरात गुजरात पहली कंट्री बनी जिसने सबसे ज़्यादा और गुजरात का नंबर पहले उन स्टेट्स में है जिसने सबसे ज्यादा श्रामिक ट्रेन ट्रेन चलाई कितनी ट्रेनें इसने चलाई वन जीरो वन सेवन ट्रेने जिसकी वजह से फिफ्टीन पॉइंट वन लाख वर्कर्स उसने घर पहुंचा दिए थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे टू ज़ीरो टू ज़ीरो क्या था यानी कि यह दिन मनाया गया है गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल प्रस्पेक्टिव गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल प्रस्पेक्टिव आप लोगों को बताना है कि ये जो वर्ल्ड थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब कब मनाया गया आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में ये डे कब मनाया गया ना? हिंट देता हूँ कि ये मे के मंथ में मनाया गया हु अपॉइंटेड एज द सी ई ऑफ एफ एस एस ए आई अरुण सिंगल को रिसेंटली इसका सी ई ओ अपॉइंट किया गया ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि एफ एस एस ए आई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बॉबी जो मारो ये क्या था ये क्या थे तो इमेज से तो पता चलता ही ये थे एथलीट ये थे एथलीट इसका निक नेम था वाइट लाइटिनस वाइट लाइटिन ही वाज नम्ड द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इन 1956 ये न्यूज़ में इसलिए था रिसेंटली इसकी डेथ हो गई बैंक्स प्रेफर टू होल्ड ए हाई कासा रेशो व्हाट डज एस इन सी एस ए स्टैंड फॉर बैंक्स प्रेफर करते कि उनका सी एस ए रेशो ज़्यादा हो इसमें एस का मीनिंग क्या है क्या है? सेविंग्स इसका फुल मीनिंग फुल स्टैंड फॉर करंट अकाउंट से करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इट इज़ द शेयर ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स टू द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक बैंक में टोटल जो डिपॉजिट्स है उसमें से करंट और सेविंग अकाउंट्स का कितना शेयर है उसको बोलते का हैं कासा रेशो। ये बैंक प्रेफर करता है क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड है विच बिकेम द फर्स्ट स्पेस कंपनी टू सेंड नासा एस्ट्रोनॉट टू स्पेस ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है स्पेस एक्स आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्पेस एक्स का मालिक कौन है द कंपनी सेंड डग हार्ले एंड बॉब बेनकिन टू स्पेस वाट इज टी एच ए डी रीसेंटली सीन इन न्यूज़ ये है एंटी बलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम यह डिप्लॉय किया गया था पहली बार कब जब गल्फ वार हो गया था उसके बाद ये डेवलप किया गया था यह कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है इसराइल यूएई रोमानिया एंड साउथ कोरिया रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो अमेरिका का टी मिसाइल है साउथ कोरिया में चाइना ने उस पर यह बोला कि हमें प्रॉब्लम है इससे क्योंकि अमेरिका अपना इन्फ्लुंस बढ़ा रहा है जापान और साउथ कोरिया में तो चाइना ने उसको रजिस्ट किया वाट आर एटीन बायोसिफेर रिजर्वस इन इंडिया इंडिया में एटीन बोसफ रिजर्व है वो कौन कौन सी है नीलगरी कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी बायसुफ रिजर्व कंचन ऑफ मन्नार मन्ार अगस्थमल बोसफ रिजर्व नोक्रेक ग्रेट निकोबार सुंदर डिब्रू शेकोवा मानस सेचाचलम हिल्स सिमलीपाल एंड पन्ना दीबांग दीहांग दीहांग दीबांग ये दीब ये है बायसफिया रिजेव रिजर्व अचानकमार अमरकंटक बाफिया रिजर्व ग्रेट रन ऑफ कच्छ थैंक यू वेरी मच मैंने इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को इसलिए ये कहाँ कहाँ पे यह मैंने इसलिए नहीं रखा यहाँ पे क्योंकि आप खुद भी सर्च करो आपका रिव्यजन भी हो जाए और आपको याद भी रह जाए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू वेरी मच मिलती है अगले वीडियो में